Hello and a very good morning to all of you. I am Kinjal. I am your mentor for English language and welcome to Adda 24-7. We are here to join and basically see the editorial every day at 8am. Or the Hindu editorial. What is there in the content? What is there in the um, entire thing for the Hindu editorial? Theek hai? Ab, uh, having said that. आज का जो पेपर था आज का जो हिंदू एडिटोरियल था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इट टॉक्स अबाउट मल्टीपल थिंग्स बहुत सारी चीजों के बारे में बात करता है और मैं आपको दिखा रही हूँ एक बार तो देखिए आज के हिंदू एडिटोरियल का एक uh, मुझे ओपिनियन साइड पे जो एक टेक्सट एंड कॉन्टेंट टेक्सट एंड ओपिनियन वाला जो एरिया आता है वहाँ पे एक था मास ले ऑफ के बारे में पैसेज कि हाउ बिग टेक कंपनीज़ आर लेइंग ऑफ एम्प्लॉयज़ हाउ एट टेक इंस्टीट्यूशन आर लेइंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड हाउ बेसिकली एवरीबडी इज लेइंग ऑफ एम्प्लॉइज है ना सो इन दैट कंडीशन ये जो मास ले ऑफ है जब लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जा रहा है what is the reason this is happening and what should be the way forward there is an entire paragraph and an entire article about that we are going to read that article we are going to read that article this um, we have recent so but I'll show you everything else pe ye Supreme Court ko delegitimize karne ke bare mein baat hai of uh, in this paragraph in this article then in this article it talks about safer roads for a greener and more sustainable environment I was going to start with this one. बट समहालरे नो किस हो सकते हो सकते हैं एंड यू कैन ऑलरेडी रीड इट बाई यो आई वेंट अड एंड आई सॉ दिसरात पोल इलेक्शन नहीं इलेक्शन कमिश्नर के लिए क्या करना चाहिए Then there is, uh, here, इट इज़ हाउ विल ग्लोबल ले ऑफ़ इम्पैक्ट इंडिया कि ये जो ग्लोबल ले ऑफ़ हो रहा है सारे लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जा रहा है इसका इंडिया में क्या मीनिंग है वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग इन इंडिया हाउ इज़ दिस गोइंग टू अफेक्ट आर कंट्री दैट इज़ द आइडिया ऑफ दिस आर्टिकल प्री डोमिनेटली हैविंग सेट दैट वी विल सी एवरीथिंग एल्स ठीक है तो आज का हिंदू एडिटोरियल आई गेस आप सबको ही अच्छा लगेगा टुडे वी आर गोइंग टू डू नॉट जस्ट वर्ड्स बट आल्सो ईडियम्स एंड फ्रेजेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड दे आर वर अ लॉट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स यूज्ड इन टुडे'स एडिटोरियल आज के पूरे के पूरे एडिटोरियल में चार पांच फ्रेजल वर्ब्स थे सो हैव इंक्लूडेड ऑल ऑफ देम हियर इट एंड वी विल स्टार्ट नाउ ठीक है चलो सो द फर्स्ट थिंग हियर इज बेह द फर्स्ट थिंग हियर इज बह मौत का मीनिंग क्या होता है यू कैन सी दिस पिक्चर एंड टेल मी यू कैन सी दिस पिक्चर एंड गेस आई गेस हेलो वत्सल्या प्रसाद गुड मॉर्निंग सो बेहमो का बेसिकली मीनिंग है समथिंग विच इज वेरी एनॉर्मस इन साइज जो बहुत ही बड़ा हो बहुत ही लार्ज हो दैट इज कॉल्ड एज बहत जैसे कि इफ यू सी इन दिस पिक्चर इफ यू सी इन दिस पिक्चर वी आर कंपेयरिंग दिस पिक्चर विद द हियर वी आर कंपेयरिंग दिस पिक्चर द ग्रेट खली इज बी कंपेयर्ड विद सलमान भाई और वी कैन से सलमान भाई ठीक है सो बेहमोत इज समथिंग विच इज वेरी लार्ज एनॉर्मस पावरफुल Khali is the behemoth person here. Kali is the behemoth person here. Someone who is large, powerful and giant. Okay. Now, next word is honchos. Next word is honchos. Okay. How many of you are familiar to this very good term? It's called um, Yuva Neta. How many of you are familiar to this term Yuva neta. How many of you know that there is something called as Yuva neta? Hello, Vivek Kumar, good morning. Sonia, good morning. ठीक है तो युवा नेता क्या होता है युवा नेता हर आपको गली मोहल्ले में मिल जाएगा एवरी अदर स्ट्रीट यू विल फाइंड दिस वन बॉय हु हुज़ नॉट इवन कंप्लीटेड हिज एजुकेशन बट ही विल बी सपोर्टिंग सम पार्टी लीडर सम लोकल लीडर एंड एक्टिंग लाइक ही इज द लीडर ऑफ योर एरिया इज वेल सो युवा नेता इज अडर युवा नेता इज अडर और अ मैनेजर बिकॉज ही मैनेजर एवरी अंडर द पार्टी मेंबर जो पार्टी का नेता होता है ना जो पार्टी का नेता होता है उसके उसके वो सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाता है उसके इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाता है इफ देर इज एन इवेंट जहाँ पे सो uh, प्रदेश so अध्यक्ष आने वाले हैं कुछ होने वाला है सो ही इज गोइंग टू बी द पर्सन हु इज डूइंग ऑल दीस थिंग्स दैट इज कॉल्ड एज युवा नेता समबड़ी हु इज अडर ऑर अ मैनेजर समवेयर मैनेजर so, और इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम कहते हैं हॉन इसी को हम कहते हैं चोज ठीक है हौन चोज. हौन चोज you know <laughs> ठीक है सो आई थिंक दैट इज ट्रू दिस इज वॉट इट इज इफ यू है

टू ड्रॉ अवे का मीनिंग है धीरे धीरे दूर चले जाना सो टू मूव अवे फ्रॉम अ पर्सन और अ प्लेस टू मूव अवे फ्रॉम अ पर्सन और अ प्लेस टू ड्रॉ अवे यानी कि धीरे धीरे कहीं पे निकल जाना कहीं से निकल जाना Scrambling. Scrambling, एक्टिविटी होती है जिसमें आप ऊपर चढ़ते हैं ऑफ गोइंग थ्रू अ रफ और अ स्टीप ग्राउंड जब आप कोई रफ या फिर स्टीप ग्राउंड है उसमें जब आप ऊपर चढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्क्रैमिंग है ना एंड इट इज वेरी सिमिलर टू दिस एक्टिविटी द एक्चुअल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्रैमिंग वुड भी दिस ओनली द एक्चुअल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्रैमिंग वुड भी दिस ओनली सोनिया सेज टू ड्रॉ अ लाइन नहीं टू ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है टू डिस्टेंस योर सेल्फ टू ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग सो यू ड्रू अ लाइन बिटवीन यू एंड टॉक्सिक फ्रेंड्स नेगेटिव पीपल है ना सो यू बेसिकली

आई होप आई एम क्लियर टू यू देखो दो सिचुएशन हो सकती है यू हैव अगेटिव फ्रेंड और ये बहुत ही नेगेटिव फ्रेंड है ये ऐसी बातें करती है कि बुरा ही होना है पता नहीं लाइफ में क्या होगा इज वेरी इनसेल्फ एंड इज ऑल्सो टेकिंग यू डाउन सो इन दैट कंडीशन इफ देर इज अ फ्रेंड लाइक दिस तो उस कंडीशन में यूल ड्रॉ अ लाइन बिकॉज दिस पर्सन इज अ फ्रेंड एज वेल राइट दिस पर्सन इज अ फ्रेंड एज वेल सो यू विल ड्रॉ अल सेट अ लिमिट टू इट

दैट इज कॉल्ड एज स्ल्यू जैसे कि द कंपनी इज अबाउट टू लॉन्च अ होल स्लीव ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स ये क्या बोल रहे हैं द कंपनी इज अबाउट टू लॉन्च द होल स्लीव ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स बहुत नए नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं स्ल्यू ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स स्ल्यू का मतलब होता है बहुत ज्यादा नेक्स्ट इज एटरेशन एटरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और एटरेशन uh, का बेसिकली देखो जनरल मीनिंग ये होता है ए चार में मीनिंग ये होता है ये मैंने दोनों यहाँ पे क्यों लिखा है बिकॉज इन टूडेज आर्टिकल वी आर गोइंग टू रीड दिस मीनिंग सो द जनरल मीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग समथिंग्स स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस थ्रू अ सस्टेन्ड अटैक और प्रेशर एक प्रोसेस जिसमें आप किसी भी चीज की स्ट्रेंथ या फिर किसी भी चीज की इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करते हो रिड्यूस करते हो हाउ बाय अ सस्टेन्ड अटैक और अ प्रेशर बाय एन अटैक विच इज सस्टेन्ड और बाय प्रेशर ठीक है दैट इज कॉल्ड एस एटरीशन सो यू आर यू आर जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा सच में कभी नहीं हुआ था

सिमिलरली एटरेशन इन दी एच आर टर्म्स अगर ये कंपनी की बात हो रही है जैसे आज हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं कि मास ले ऑफ क्यों हो रहा है इतने सारे लोग कंपनी से निकाले क्यों जा रहे हैं नौकरी से निकाले क्यों जा रहे हैं आपने सुना होगा एटेक्स में देर आर कंपनीज जिसने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया तो ये सब क्यों हुआ है टर्म एशन रेफर्स टू अ ग्रेजुअल बट डेलीबरेट रिकॉर्ड रिडक्शन इन स्टाफ एक धीरे धीरे जब रिड्यूस होती है कोई चीज कोई स्टाफ को रिड्यूस करना कैसे रिड्यूस करना वन थिंग एट अ टाइम टू देम वन थिंग एट अ टाइम दैट इज कॉल्ड एज एटरेशन दैट इज कॉल्ड एज एटरेशन ठीक है डिस्क्रेनिबिल डिस्क्रेनिबिल मुझे एक बात बताओ वॉट वॉट डज दिस पिक्चर से वॉट डज दिस पिक्चर से ये पिक्चर क्या कह रही है वॉट इज दिस पिक्चर टेलिंग अस वॉट इज दिस पिक्चर टेलिंग अस ये पिक्चर आपसे क्या कह रही है एनीथिंग स्पेसिफिक देखो आई आई टेल यू वॉट इज दिस पिक्चर से टू मी है ना वॉट इज दिस पिक्चर सेन आई एम सीइंग दिस पिक्चर आई कैन से वन थिंग वॉट दैट देर इज दिस मैन दैन देर इज दिस अनदर मैन सो आउट ऑफ दिस थ्री दिस वन टू थ्री ओनली द पर्सन हु इज सेकेंड इन पोजिशन कैन बी रिकॉगनाइज्ड बिकॉज वी कैन सी हिम है ना ये दोनों थोड़े बैकग्राउंड में हैं ये थोड़े दोनों बैकग्राउंड में है डू यू थिंक दैट इज द केस आई एम एबल टू नोटिस द मैन इन ब्लैक आई एम नॉट एबल टू नोटिस द रेस्ट ऑफ द पीपल सो बिकॉज आई एम नॉट एबल टू नोटिस द रेस्ट ऑफ द पीपल तो जिसको मैं नोटिस कर पा रही हूं जिसको भी मैं नोटिस कर पा रही हूँ बी कॉल्ड एज डिस्क्रेनिबल। दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्क्रेनिबल। आई एम एबल टू नोटिस दिस पर्सन। आई एम एबल टू नोटिस दिस पर्सन। हैंस इट विल बी कॉल्ड एज डिस्क्रेनिबल। डिस्क्रेनिबल। रिमेंबर दिस डिस नेक्स्ट इज ईज आउट ईज आउट इज अनदर फ्रेजल वर्ब विच वॉज यूज टू डे सो वॉट डज इज आउट ऑफ मीन्स तो इट मीन्स टू एक्स्ट्रैक्ट और रिमूव समथिंग ग्रेजुअली और जेंटली ईज आउट यानी कि धीरे धीरे कोई चीज को निकाल देना धीरे धीरे कोई चीज़ को निकाल देना मोस्ट ऑफ़ द टाइम यू विल ईज आउट योर वुंड यू विल ईज आउट योर वुंड सो लेट्स इफ यू हैव अ वुंड हियर सो आप धीरे धीरे उसको निकालोगे सो इट विल ग्रेजुअली गेट आउट इट विल ग्रेजुअली मूव आउट ठीक है दैट इज कॉल्ड एज ईज आउट नेक्स्ट इज आफ्टर मैथ आफ्टर मैथ ये बेंगलोर रेंज का पिक्चर है दिस इज अ पिक्चर ऑफ बेंगलोर रेंज बेंगलुरु रेंज and here is a picture of uh, Alia Bhatt saying Mujhe Bangalore jana hai. so uh, you tell me what do you think uh, is the relationship between the word aftermath, aftermath and the rains in Bangalore <laughs> Look, I am telling you, Bangalore is a very developed city in everything, but somehow the administration did not take care much, did not much take care of the uh, rain rains there. Although the weather was predictable, that they are going to face massive rains because uh, uh, every every place in this country has faced different temperature and different rainfall and different winter and summer around the. अराउंड दिस टाइम सो सिमिलरली आफ्टर मैथ सिमिलरली आफ्टर मैथ का बेसिकली क्या मीनिंग है आफ्टर मैथ का मीनिंग है द रिजल्ट ऑफ एनी थिंग द रिजल्ट ऑफ एनी थिंग सो वी ऑलरेडी न्यू बैंगलोर इज अ सिटी वेयर इट रेन्स अलॉट बट द आफ्टर मैथ वॉज नॉट कैलकुलेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन द आफ्टर मैथ वॉज नॉट कैलकुलेटेड बाई एडमिनिस्ट्रेशन सो दैट इज कॉल्ड एज आफ्टर मैथ आफ्टर मैथ इज द कॉन्सिक्वेंस द रिजल्ट ऑफ एन ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अ सिग्निफिकेंट अनप्लीजेंड इवेंट कोई भी अनप्लीजेंड इवेंट होता है जैसे एक्सट्रीम रेनफॉल उसका जो आफ्टर मैथ है वो है ऐसे पानी भर जाना ऐसे पानी भर जाना ठीक है सो कॉन्जिक्वेंसेज साहिल ठीक है बैड पैच बैड पैच का मीनिंग अच्छा वॉट डू यू नो अबाउट दिस वर्ड पैच वॉट डू यू नो अबाउट दिस वर्ड पैच वॉट इफ आई जस्ट आस्क यू वॉट इज द मीनिंग ऑफ पैच विल यू बी एबल टू टेल मी की वॉट इज द मीनिंग ऑफ पैच पैच का मीनिंग आप बता पाओगे पैच का मीनिंग आप बता पाओगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैच देखो पैच इज बेसिकली सो इफ़ देर इज अ क्लॉथ दैट हैज बीन टोन्ड हियर है ना एक क्लॉथ है जो यहाँ से थोड़ा खराब हो गया है सो आई टेक आउट अनदर पीस ऑफ क्लॉथ एंड पुट इट हियर सो दैट इज कॉल्ड एस पैच दैट इज कॉल्ड एस पैच सो टू कवर अप फॉर समथिंग बैड टू कवर अप फॉर समथिंग बैड इज कॉल्ड एज पैच कोई भी बुरी चीज को जब हम कवर अप करते हैं दैट इज कॉल्ड एज पैच बट if i use bad patch so even if i am covering up it is going bad even if i am covering up it is going bad that is called as a bad patch a bad patch is a is a period is a, a month is a week is a day where you are not just having a good time where you are not just having a good time you are struggling with something maybe that is called as a bad patch a bad patch is a period is a time where you are not going right Cut bench strength was a term that was used in today's article. So there are bench strength. Kya hoti hai. There are companies out there, and there are so many companies out there who keep people on benches. Benches, as in Jesse there is a, there is an employee called as Akshay. Hai? There, is an, there is an employee called as Akshay. And Akshay is working for a very big tech giant company. But for six months, Manlo But for six months, Akshay was not able to get any project. He was not on any project. So he was not doing any substantial work because he was not a part of any project. So in that condition, it would be said that Akshay was on a bench. Akshay was on a bench. So he was sitting on the bench waiting for projects to come and take him. टू कट बेंच स्ट्रेंथ दैट इज कॉल्डेस्ट टू कट बेंच स्ट्रेंथ बारेज हम बाद में करेंगे दिस इज ओके नाउ दीज आर क्वेश्चन दीज आर क्वेश्चन ऑन ईडियम जल्दी से सॉल्व करिए जल्दी से सॉल्व करिए दीज आर क्वेश्चन ऑन ईडियम सॉल्व द फर्स्ट वन द प्लेस वेयर ब्रिक्स आर बेग्ड प्लेस वेर ब्रिक्स आर बेग्ड जहां पर ब्रिक्स को बेक किया जाता है वॉट इज इट कॉल्ड वॉट इज इट कॉल्ड एनी आइडिया व्हाट इज इट कॉल्ड द्लेस वेर ब्रिक्स आर बेक्ड जहां पे ब्रिक्स को बेक किया जाए एक ऐसी जगह जहां पे ब्रिक्स को बेक किया जाए वेरी गुड वेरी गुड लक्ष्मी वेरी गुड इट इज कॉल्ड एज सॉरी द प्लेस एंड अंडर हैंड डि रिजोर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट एन डिवाइस एक ऐसा अंडर हैंड डिवाइस विच इज रिजॉर्टेड टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट मिसकंडक्ट को जस्टिफाई करने के लिए एक अंडर हैंड डिवाइस जो यूज किया जाता है वॉट इज इट कॉल्ड दैट इज मैनिवर ठीक है एन अंडर हैंड डि यूज टू ऑर्डर टू जस्टिफाई मिस कंडक्ट मिस कंडक्ट को बताने के लिए जस्टिफाई जिससे किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज मैनवर नेक्स्ट द एडवर दब्लिक दैट द मेडिसिन वुक टू दूसर देर यूथफुल विगर एंड अपियरेंस यूथफुल विगर एंड अपियरेंस वॉट इज कॉल्ड एज यूथुलगर एंड अपियरेंस What is called as youthful vigor and appearance? Number 25. very good rejuvenation rejuvenation this is that one word that you will see in a lot of advertisement advertisement for creams for powders for medicines for supplements all these things you will see rejuvenation rejuvenation is basically a promise that anything can give you your youth and your vigor back in life that is called as rejuvenation okay Number 26, politicians that are notorious for doing undue favor to their relatives. Number 26, uh, the politicians who are notorious for doing undue favor to their relatives. This is easy. It means nepotism. It means nepotism. Okay? हजबेंड टू हिज वाइफ ऑन हिज लीगल सेपरेशन सो लीगली इफ टू पीपल आर सेपरेटेड तो वॉट इज द अलाउंस दैट इज पेड वॉट इज द अलाउंस दैट इज पेड कौन क्या अलाउंस दिया जाता है फॉर लीगल सेपरेशन Called yes, it's called उसे क्या कहा जाता है एलिनी लीगल सेपरेशन के लिए अलाउंस दिया जाए दैट इज कॉल्ड एज एलिनी टू कॉन्ग्रेचुलेट सम्मी टू कॉन्ग्रेचुलेट समली किसी को फॉर्मली कॉन्ग्रेचुलेट करना नंबर ट्वेंटी एट टू कॉन्ग्रेचुलेट सम्मी

वॉट इज दैट कॉल्ड उसका फायदा हो जाए Very good. So, agar uska faida ho hai, That one person who is giving flattering things to other taki uska faida ho jai, is called psychophant. It is called a eh, psychophant. Sy Very interesting word, and we will move. Now, there is a, e these are the questions based on idioms. Remember, in this class, when you come, we will solve questions. And I won't just tell you things, you are going to solve questions so that you can remember it longer. When you solve a question and you know the answer or you don't know the answer, in a live class, in both the cases, you will remember it for a very long time. You will remember it for a very long time. So, we will see idioms now, which is uh, the first one is part and parcel. The first one is part and parcel. What is the meaning of part and parcel? पा टेन पार्सल part and parcel of something is called as the essential element. it is called as the essential element. tk. yes, very good, sahil. it is called as the essential element of something. part and parcel is the essential element. to make a clean breast of. to make a clean breast of. it means to confess. it means to confess without reserve. टार्टर टू कैच अ टार्टर किसी भी टार्टर को कैच करना टू कैच अ टार्टर हेलो विशाल गुड मॉर्निंग वॉट इज दिस कॉल टू कैच अ टार्टर टू कैच अ टाटर का मीनिंग क्या है वॉट इज द मीनिंग ऑफ टू कैच अ टाटर इज टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच इज टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच यानि कि आप अपनी सो वैन वैन यू गो अहेड एंड वैन यू मीट समन योर फाइन समन हुड योर लिमिट्स है ना? वो आपके रेंज में नहीं है वे आउट ऑफ योर रेंज है ना वेन संबडी इज वे आउट ऑफ योर रेंज वे आउट ऑफ योर रेंज दू कैच अटर दैट इज कॉल्ड एज टू कैच अ टार्टर टू लुक डाउन ऑन वंस नोज टू लुक डाउन ऑन वंस नोज नंबर ट्वेंटी फाइव क्विकली गाइड जल्दी से करो नंबर ट्वेंटी फाइव To look down on one's nose, it is to regard with contempt. To look down on one's nose. अच्छा अगर ये out of syllabus लग रहा है तो मैं आपको बताती हूँ it's very easy कैसे होगा मैं आपको बता रही हूँ. When you are looking, so remember nose. ठीक है. तो nose is something which basically shows your pride or anything. आप कोई भी कैरिकेचर इस uh, कार्टून देखेंगे ना कैरिकेचर इज़ मेकिंग फन ऑफ एनी वन सो यू माइट हैव सीन पॉलिटिशियंस लीडर्स उनके कैरिकेचर्स बनते हैं न्यूज़पेपर में जहाँ पे उनकी नाक बहुत बड़ी होती है किसी की हंसी बहुत बड़ी होती है किसी का सर बहुत बड़ा होता है सो दैट इज कॉल्ड एज कैरिकेचर दैट इज़ कॉल्ड एज कैरिकेचर कैरिकेचर इज़ बेसिकली टू मी मेक फन ऑफ समथिंग नाउ कैरी केचर में जब किसी की नाक बहुत बड़ी दिखाई जाती है तो इट इसेंशियली मीन्स दैट दैट पर्सन इज वेरी इगोइस्टिक इट इसेंशियली इसशियलीस दैट द पर्सन इज इगोस्टिक इन नेचर थोड़ा घमंडी है इन नेचर है ना नाउ दिस पर्सन इज इगोइिक इन नेचर तो नोज इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नोज आर लिटिल नोज इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईगो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईगो नाउ To look down on one's nose, to look down on one's nose. What is the meaning of number 25? To look down on one's nose. It basically means to regard with contempt. To regard with contempt. Yani ki look down on one's nose. Up ki or ko look down kar rahe ho specially through nose. So that means you are regarding with contempt. To take the grain of salt. टू टेक द टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट टू टेक थिंग्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कुछ पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना के वैसे कुछ लेना वॉट इज दैट कॉल वॉट इज दैट कॉल टू टेक विद्रेन ऑफ सॉल्ट नंबर ट्वेंटी सिक्स नंबर ट्वेंटी टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट वॉट इज दैट कॉल टेक विथ समर्वेशन जब आपने आप अपने मन में कोई एक चीज बनाए हुए हो कोई एक थॉट uh, प्रोसेस बनाए हुए हो एंड यू आर टेकिंग इट विद यू आर टेकिंग इट विद ऑफ सॉल्ट दैट इज वॉट इट मीन टू टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट ठीक है नाउ आई थिंक वी हैव डन दीज वंस वी हैव डन दीज वंस ये Now we are going to uh, read the article, this interesting article about how people are uh, getting kicked out of their jobs. So there are mass layoffs in the IT sector, then there are mass layoffs in the EdTech sector. But today we are going to see why are these mass layoffs, what does it mean for India and why does India essentially have a mass layoff only in the EdTech centre. So there are EdTech centres or yaha pe hi mass layoff. क्यों है हम ये देखने वाले हैं सो वी विल सी हाउ विल ग्लोबल ले मास लेफ है ग्लोबली वो इंडिया को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं वे वी डू दिस रीड ईच लाइन यू रीड इट विथ मी यू टू रीड दीज लाइन विन वील अंडरस्टैंड इट लाइन टू लाइन then we will understand it line to line हम line to line इसको समझने की कोशिश करेंगे over the past two months a slew of US multinational companies including tech giants like Amazon Meta Intel Twitter and financial behemoths like Citi and Morgan Stanley announced mass layoffs पिछले दो महीने में क्या हुआ है अ स्लीव ऑफ यूएस मल्टीनेशनल स्लीव यानी हमने पढ़ा था बहुत सारे स्लीव यानी क्या होता है बहुत सारे अकॉर्डिंग टू अ ग्लोबल प्लेसमेंट एंड कोचिंग देखो नाउ अकॉर्डिंग टू अ ग्लोबल प्लेसमेंट एंड कोचिंग फर्म द ले ऑफ क्रॉसटी थाउजेंड इन सेप्टेंबर एंड अक्टूबर These developments are bound to have an impact on India's export prospects, especially in the information tech, which is IT sector. ये क्या बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्लेसमेंट सेल है कोचिंग जो बेसिकली लोगों को जॉब दिलवाती है उन्हों और ग्लोबल लेवल पे. उन्होंने क्या बोला है उन्होंने बोला है कि अराउंड सिक्सटी थाउजेंड अराउंड सिक्सटी थाउजेंड पीपल वर लेड ऑफ ओनली इन सेप्टेंबर एंड ऑक्टोबर इट सेल्फ सो दीज टू मंथ बीन लेउसेंड पीपल अरे साहिल डू नॉट फील जॉय ऑन यू नो सच थिंग्स ठीक है Feel joy for the idea that you are preparing for something and you will get there one day. Okay? It's a bad experience, very bad experience. तो ये क्या बता रहे हैं कि एंड देन वी विल सी कि ये वाला जो डेवलपमेंट है ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये क्या इफेक्ट लेके आएंगे ये इंडिया में क्या इफेक्ट लेके आएंगे ये बता रहे हैं ठीक है और इसमें ले ऑफ़ में देर आर नॉट जस्ट आई टी कम्पनीज देर आर कंपनीज विच आर वेरी बिग कंपनीज वेन इट कम्स टू फाइनेंस एज वेल लाइक सिटी एंड मॉर्गन स्टेली सिटी बैंक एंड मॉर्गन स्टेली Why are layoffs becoming common? Why is this layoff becoming that common now? Okay? So Alphabet CEO Sundar Pichai had warned of a coming winter in the tech sector um, in tier liar this year. In all hands, meetings in September this year, one of his responses to staff queries on budget cut was: we don't get to choose the macroeconomic conditions always. So uh, Sundar Pichai, who is the uh, CEO, the Indian CEO for the company Alphabet, what did he say? So this year he had a meeting in which he basically said that there are a few things that I cannot control, and for example, macroeconomics is something that I cannot control, and hence the, the mass layoffs is ought to come, and the recession is ought to come. Okay, now. A potential economic recession is a big red flag. With inflation soaring in most parts of the world, central banks have been scrambling since March this year to rein it by increasing rates so as to make it more costly to borrow and consume. Kya bol rahe Ki potential economic recession plays a very it's, it's a very big red flag. कि फ्यूचर में एक इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है इन द मंथ्स इन द कमिंग ईयर इन द मंथ्स एंड दिस इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन देयर आर बैंक्स आर स्क्रैम्बलिंग देयर वे अप सो दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू राइन इट्स इंक्रीजिंग रेट सो टू मेक इट मोर कॉस्टली सो दैट इट इज वेरी कॉस्टली टू बोरो एंड कंज्यूम द मनी so in future the, what will happen that if somebody needs a loan agar kisi ko koi loan chahiye, and this person goes to bank by that point when the recession comes the price of everything the loan interest and in everything will be very high this will eventually affect the economic growth and jobs the international monetary fund which is the imf has cited forecast for global gdp growth in both 22 टू एंड ट्वेंटी थ्री एस ग्लू मी गिव इन एंड ऑन रशिया यूक्रेन वॉर ये क्या बोल रहे हैं कि ये इवेंचुअली गवर्नमेंट uh, जॉब्स ये इवेंचुअली ग्रोथ और जॉब्स सब में इफेक्ट करेगा आईएमएफ ने ये बोला है कि देर इज़ अ फोरकास्ट फॉर ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ देर हैज टू बी अ ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ इन इन बोथ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री एज ग्लूमी सो देयर विल बी ग्रोथ बट द ग्रोथ विल बी ग्लूमी Given the pandemic and the ongoing Russia-Ukraine war. So there are two factors responsible. One is pandemic that a uh, few countries are still struggling with. And the next thing is the Russia-Ukraine war that is going on. Okay? Setting aside the 2008 crisis, numbers, estimates for this. Uh, calendar and the next by IMF are the weakest since 2001. After 2008 ke crisis number ko estimates, so this the coming recession is going to be even bad. The coming recession is going to be even bad than the last 2008 recession. Now the question is, what do U.S. CEOs saying feel about the coming months? So, what are the CEOs of U.S. companies saying about the same thing? They are saying that the conference board measures of CEO confidence showed top haunches in the west haven't been this downbeat since 7 to 9 recession the survey asked 136 ceos what economic conditions they are preparing to face over the next 12 to 18 months and an overwhelming majority 98% said they are preparing for a u.s recession Kya hua? Ki, uh, यूएस के अमेरिका के 138 136 सीईओ से पूछा गया कि क्या आपको लग रहा है रिसेशन आएगा और 136 सीईओ में से 80 98% लोगों ने बोला कि हमें एक यूएस रिसेशन आएगा मतलब दे आर गोइंग दिस गोइंग टू बी एंड रिसेशन एंड दैट रिसेशन इज गोइंग टू बी इन अमेरिका दैट रिसेशन इज गोइंग टू बी इन अमेरिका और बहुत सारे लोगों ने क्या बोला कि ई यू कंट्रीज है ई और यू कंट्रीज है जो बहुत सारी यूरोपियन यूनियन के अंदर वहाँ वहाँ पे रिसेशन आ सकता है ठीक है What is the outlook for Indian IT industry Indian IT industry ko kaise farak padega The Indian IT industry firms are among the largest employers in the organized sector and any global economic trend is bound to have an impact on the ग्रोथ प्रोजेक्शंस क्या हो रहा है इंडियन आईटी सर्विस फर्म्स जो हैं ये सबसे बड़े फर्म्स हैं दीज आर द बिगेस्ट फर्म्स हु बेसिकली आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सो देयर इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसमें ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं एंड देन देयर इज ऑर्गेनाइज सेक्टर्स तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में दीज आर जॉइंट इंडियन आई टी इज़ अ जॉइंट नेम एंड दे आर बाउंड टू हैव सम इफेक्ट ऑफ द वॉट एवर द वेस्ट मैनेजमेंट लुक एट दी क्रिटिकली दैडर्स दे कट कॉस्ट एंड एंडिट मार्जिन एज दे आर अकाउंटेबल टू इन्वेस्टर्स दो देयर इज अ डिसक्रिनेबल ट्रेंड येट देयर आर अ फ्यू साइंस विच में सिग्नल वॉट इज टू बी एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मैनेजमेंट क्या करता है मैनेजमेंट जैसे ही देखता है कि हम 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 हमारे इन्वेस्टर्स को आंसर नहीं दे पा रहे हैं हम हमारे इन्वेस्टर्स को नहीं बता पा रहे हैं कि वायर वी नॉट एबल टू ग्रो तो उस कंडीशन में व्हाट दे सी दे गो टू देयर ऑफिसज एंड दे सी हेड काउंट्स दैट हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर एंड देन देमिटिंग दैम देन दे स्टार्ट एक्सक्लूडिंग देम जस्ट टू कट द कॉस्ट जस्ट टू कट द कॉस्ट ऑल दो देर इज नो एज सच ट्रेंड राइट नाउ बट देर आर सिग्नल ऑफ अ फ्यू थिंग्स वॉट आर द सिग्नल्स All the top companies except Wipro saw a rise in revenue and net profit. Wipro's net profit slided 9% from a year earlier, the quarter ended September. Kya hua? All the companies are growing big except for Wipro. Wipro had only slided 9% this year. The iteration rates are the numbers of employers per 100 quitting on their own.

देखो द नंबर ऑफ पीपल हु लीव द सैलरीज जो अच्छी अच्छी सैलरी छोड़ के जाते हैं दूसरी कंपनी में फॉर अ हायर सैलरी वो अभी भी बढ़ा हुआ है वो अभी भी बढ़ा हुआ है और इसीलिए ये बात भी पक्की है कि लोगों के पास क्या है लोगों के पास एक ऑप्शन तो ज़रूर है किसी कॉम्पिटिटिव कंपनी के पास जाके दूसरी जॉब ले लेने का वॉट इज द प्रॉब्लम ऑल दो द एट रेट डिक्लाइन मार्जिनली फ्रॉम ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन परसेंट इन जुलाई 2 परसेंट इन द प्रीवियस अप्रैल एट TCS ये यहां पे कुछ-कुछ नंबर्स दिए हैं ओपीएम के दैट यू कैन यूज इन योर डिस्क्रिप्टिव देन मीडिया रिपोर्ट्स हैव सेट दैट इंफोसिस एम्स टू पे आउट 65% ऑफ वेरिएबल टू देयर एम्प्लॉइज वेयर सेवेंटी परसेंट इन अप्रैल जून बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑन द मार्जिन इन्फोसिस क्या करने वाला है इस बार सैलरी का सिर्फ सिक्सटी परसेंट देने वाला है एंड देन नेक्स्ट मंथ में सिर्फ सेवेंटी परसेंट देने वाला है दिस इज द मीडिया रिपोर्ट दिस इज नॉट समथिंग विच इन्फोसिस दिस इज द मीडिया रिपोर्ट दैट एंड द रीजन इज कॉस्ट कटिंग द रीजन इज कॉस्ट कटिंग वॉट अबाउट स्टार्टअप

कोविड के बाद से पेंडेमिक के बाद से देर आर नॉट मच कंपनीज देर आर नॉट मेनी कंपनीज हु हैव हु हैव जिनके पास जनता जाती है देर आर नॉट मच कंपनीज जिनके अब वेबसाइट पे जनता जाती है टू सी देयर कंटेंट दैट इज द रीजन एटेक आर आल्सो लेइंग ऑफ पीपल देन आईएनसी 42 शोड दैट मोर देन 15700 एम्प्लॉइज हैड बीन ले ऑफ लेड ऑफ इन Given tightening funding conditions by Baiju's Charge B Cards 24 Ola, Inova. Uh, Innova, Essar, Udan, Unacademy, Vedantu are the names that have been in the news on the layoffs according to INC 42. So, INC 42 ke ek report ke se, there are a lot of ethics which have laid off and around the number of people that they have laid off is around 15 to 16,000. And the reason is that uh, the primary reason what they have stated is that post pandemic they haven't had much business.

वो क्या करती थी कि अनाउंस नहीं करती थी जैसे अभी ये अनाउंस कर देते हैं कि आर लेग ऑफ ये क्या करती थी कंपनीज दे यूज टू स्लाइटली ईज आउट पीपल स्लाइटली टेक पीपल आउट ऑफ देयर जॉब्स कंपनीज दैट वर इन पर्टिकुलरली बैड बेंच कट बेंच स्ट्रेंथ देन अगेन इफ अ पर्सन वॉज अबाउट ऑन द बेंच That is without projects, he or she may have been asked to sign up for some training courses. इफ द प्रोफेशनल स्पेंड मोर देन थ्री मंथ्स ऑन द बेंच एंड नॉट लेंडेड प्रोजेक्ट दिस्टम और हर आउट तो पहले ये कंपनीज उस टाइम पे भी आई टी कंपनीज थी ही तो ये क्या करते थे आइडियली दे वुड जस्ट ईज आउट पीपल और एल्स जस्ट से कि कोई है इंसान जिसने जॉइन ही एक महीने पहले किया है सो दे वुड सजेस्ट दिस पर्सन टू टेक अपड देन सी इफ दे कैन एक्चुअली Progress in a certain manner. So three months down the line, after doing a certain courses, if still this person is not able to fetch a job in that condition, he will be laid off. He will be laid off. Okay. So three months was the time that was given. What happened in the aftermath of 2008 recession that stretched well beyond two to three years is that company would start slowing down headcount addition. सो so, इसके बाद सो so 2008 के रिसेशन के बाद जो एक बड़ा चेंज देखने मिला था वो क्या था कि कंपनीज खुद से ही बहुत ज्यादा लोगों को रिक्रूट नहीं करती थी कंपनीज खुद से ही दे ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम रिक्रूटिंग लॉट ऑफ पीपल सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ द ग्लोबल ले इंडिया राइट नाउ

अभी बैंक महापैक प्लस में चल रही है डबल वैलिडिटी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल वैलिडिटी दैट द कोर्स दैट वाज अवेलेबल ओनली फॉर अ ईयर विल बी अवेलेबल फॉर टू विल बी अवेलेबल फॉर टू इयर्स नाउ एंड एट व्हाट कॉस्ट एंड एट व्हाट कॉस्ट सो जस्ट अ मिनट हा एंड एट वॉट कॉस्ट सो राइट नाउ द कॉस्ट ऑफ द कोर्स इज अराउंड 30000 थाउजेंड इट इज अराउंड थर्टी थाउजेंड बट इफ यू रजिस्टर टू दिस कोर्स राइट नाउ आप अगर थर्टी थाउजेंड के इस कोर्स में अभी रजिस्टर करेंगे सो इन दैट कंडीशन इफ यू अप्लाई द कूपन कोड वाई सिक्स फाइव नाइन वाई सिक्स फाइव नाइन आप जैसे ही अप्लाई करते हैं वाई सिक्स फाइव नाइन सो दस्ट विल रिड्यूस डाउन टू जस्ट सेवन थाउजेंड रुपीज द कॉस्ट विल बी रिड्यूज डाउन टू जस्ट सेवन थाउजेंड रुपीज सो थर्टी थाउजेंड से सेवन थाउजेंड अपार्ट फ्राम दिस यू वॉन्ट टू रजिस्टर फॉर एनी कोर्सेज एनी कोर्सेज अंडर अड्डा आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के अंडर कोई भी कोर्सेज में आना चाहते हैं किसी भी कोर्सेज में आना चाहते हैं इन दैट कंडीशन आई गिव यू अ ग्रेट सजेशन दैट लेट्स से दैट यू वॉन्ट टू जॉइन अ बैच विच इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर आर बी आई विच इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर आर बी आई क्योंकि आर बी आई अभी आने में एक दो महीना नोटिफिकेशन आने में है उसके बाद एग्जाम में तीन महीना है सो यू हैव गुड फोर टू फाइव मंथ फॉर आर बी आई ग्रेड बी लेट्स से यू वॉन्ट टू स्टडी फॉर आर बी आई ग्रेड बी थ्रू अ डेडिकेटेड बैच इन दैट कंडीशन यू कैन यूज द कोड यू कैन यूज द कोड वाई सिक्स फाइव नाइन वाई सिक्स फाइव नाइन इससे क्या होगा कि आप जैसे यूज करोगे वाई सिक्स नाइन फाइव नाइन यू विल डेफिनेटली गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट अंडर द सन मैक्सिमम डिस्काउंट थ्रू दिस कोड फॉर कोर्सेस वाई सिक्स फाइव नाइन एंड इफ यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर टेस्ट फॉर टेस्ट सीरीज तो यूज द कोड वाई सो फॉर टेस्ट सीरीज बुक्स सो मॉक टेस्ट सीरीज बुक्स ये सारी चीजों के लिए यूज द कोड वाई सिक्स फाइव नाइन एस वाई सिक्स फाइव नाइन एस ठीक है सो फॉर मॉक टेस्ट सीरीज एंड बुक्स यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट थ्रू यूजिंग दीज टू कोड्स ओनली ठीक है चलो सो आई टेक योर लीव नाव थैंक यू एंड है नाइट डे अड